हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। मैं आपको स्वागत करता हूँ गूगल ऐड ट्यूटोरियल क्लास इन हिंदी में। और आज कुछ नया सीखने को मिलेंगे। नया मतलब एकदम यूनिक और सिस्टम मुताबिक। इसको कहते हैं गूगल एड्स ओवरव्यू सेटिंग। हाँ, वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ओवरव्यू सेटिंग की जो बेनिफिट है वो कैसे ले सकते हैं और ये कैसे इस्तेमाल करके आप ज़्यादा से ज़्यादा फायदा ले सकते हो। आपको इतना सेटिंग, इतना ऑप्शन ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। ओवरव्यू सेटिंग के अंदर भी आप कुछ चेंजेस कर सकते हो। सो फ्रेंड, वेलकम। आपका इम्पोर्टेंट टाइम देने के लिए मैं आपको दोबारा स्वागत करता हूँ। थैंक यू कहना चाहता हूँ इस वीडियो के अंदर मेरा चूज करने के लिए। और फ्रेंड, मैं एक प्रोफेशनल गूगल एड एक्सपर्ट हूँ, पीपीसी एक्सपर्ट हूँ। अगर आपको कंपनी के लिए मुझे हायर करना चाहता हूँ तो प्लीज यहाँ पर जो नंबर है और नंबर से कॉल करके भी बातचीत कर सकते हैं। फ्रेंड, मैं हमेशा टेक्निकली प्रैक्टिस करवाता हूँ, चाहे यहाँ पर पूरा का पूरा डेस्कटॉप के अंदर, तो ये सारी चीज आपको सीखने को मिलता है। पर फ्रेंड, आज मैं कुछ शेयर करूंगा। मैंने एक बार फोटो खींचा, आप पता नहीं फोटो कैसे हुआ, आप देख लीजिए। मैंने ये फोटो खींचा था, तो अगर ये फोटो भी अच्छा लगता है तो प्लीज कमेंट करके बता देना कि ये जो मैंने फोटो खींचा था, कैमरा लेकर बाहर गया था घूमने थोड़ा सा, तो ये कैसा लगा प्लीज आप बता देना। इसमें थोड़ा सा मैंने एडिट कर दिया पर खींचा ही मैंने, बस बता देना कैसा लगा अगर आप फोटोग्राफर भी हो तो। राइट, तो चलिए फ्रेंड, थोड़ा सा पर्सनल की इन्फॉर्मेशन मैंने आपको शेयर कर दिया, कोई बात नहीं। तो गूगल एड ट्यूटोरियल की जो क्लास चल रही है, यहाँ पर ओवरव्यू की सेटिंग कुछ अलग हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर, राइट, तो अगर आपका एड कैंपेन चल रहा है, आप डेली वाइज देखना चाहते हो, वीकली वाइज देखना चाहते हो, मंथली वाइज देखना चाहते हो, क्वार्टर वाइज क्वार्टरली देखना चाहते हो कि आपका अकाउंट के अंदर कितना खर्च हो रहा है, कितना क्लिक हो रहा है, कितना इंप्रेशन हो रहा है और कितना एवरेज कॉस्ट कितना है, ये सारे चीज आपको देखने को मिलेंगे। राइट फ्रेंड, यहाँ तक और भी कुछ सेटिंग है। अगर आप क्लिक नहीं, सिर्फ इम्प्रेशन पहले देखना चाहते हो, इम्प्रेशन कितना हो, फिर बाद में अगर आप क्लिक देखना चाहते हो तो क्लिक कितना होगा, और बाद में अगर आपको लगता है कि टोटल कॉस्ट कितना है, एवरेज पर क्लिक मतलब पे पर क्लिक आप कितना दे रहे हो ये, और आपको टोटल कितना कॉस्ट खर्च हो रहा है ये आप दे सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे फोन कॉल की इन्फॉर्मेशन की जरूरत है, इंटरेक्शन की जरूरत है, कन्वर्शन शेयर की जरूरत है, जैसे फॉर एग्जांपल सास इंप्रेशन शेयर, सास इंप्रेशन शेयर की मैं थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि क्या होता है ये जो सास इंप्रेशन, मान के चलिए आप अपने एक एड कैंपेन चला दिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल पर्सनल लोन इंस्टेंट अप्रूवल या डिजिटल मार्केटिंग या लोएस्ट पर्सनल लोन्स रेट, राइट, इसके ऊपर आप काम करो। तो इसमें आपको क्या करना होगा, ये एड आपने चला दिया और चलाने के बाद जितना सारे लोग ऐड देख रहे उससे कितना आपको शेयर है। जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी का शेयर होता है, अब 50% आपको है, 50% उसका है, अगर 25% उसका है तो आपको ऐड 25% तक मार्केट के अंदर कैप्चर करके रखा आपका ऐड। तो ये हिसाब से अगर ये शेयर करेंगे तो आई होप आपकी शेयर और इंप्रेशन की इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। राइट, तो फ्रेंड ये आपको पता चल गया। इसके बाद आता है कि कैंपेन, कैंपेन के अंदर अगर आप हेल्प इंप्रूव ओवरव्यू पेज वॉस्ट इंफॉर्मेशन यूजफुल, अगर आपको लगता है कि हाँ यस, तो आप एयर कर सकते हैं। अगर आप नो करते हो तो यहाँ पर भी आप कमेंट करके उन लोगों के पास एक मैसेज दे सकते हो कि क्यों इंप्रूव नहीं है। तो यहाँ पर जाके आप गूगल को कुछ स्क्रीनशॉट दे सकते हो कि आपका क्या प्रॉब्लम है, क्या इशू है, क्या काम नहीं कर पा रहे, ये सारे चीज। तो ये क्या होता है, ये ऑटोमेटिक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। राइट फ्रेंड, तो ये देखिए ये ऑटोमेटिक स्क्रीनशॉट है और आपका अकाउंट की जो इम्प्रूव है ये कैसे कर सकते हैं, गूगल के पास शेयर करेंगे तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन उसके पास मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि हाँ मैं ये सारे चीज के अंदर लेकर इम्प्रूव कर चुका हूँ, अच्छा है, तो ये कर सकते हैं। फ्रेंड, इसके बाद आता है कि अगर यहाँ पर आप थोड़ा सा कुछ एड कीवर्ड जोड़ना चाहते हो तो यहाँ पर भी आप एड कीवर्ड जोड़ सकते हो एक अलग अलग टाइप के। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पर अगर हम जाए कीवर्ड जोड़ने के लिए, तो कीवर्ड जोड़ने के लिए आपको कहाँ पर जाना होगा, जैसे फॉर कैंपेन एड ग्रुप एक्सटेंशन और यहाँ पर जो कीवर्ड है, राइट, तो कीवर्ड के हिसाब से आप अप्रूव भी कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं यहाँ से डायरेक्टली कुछ कीवर्ड जोड़ना चाहता हूँ तो आप डायरेक्टली यहाँ पर भी एड कीवर्ड जोड़ सकते हो। फ्रेंड, अब बारे आते हैं सास सेट। मैंने यहाँ पर सास सेट चला दिया। सास सेट की अगर कुछ इम्प्रूव है तो आप यस करिए, अगर आप इम्प्रूव नहीं कर पा रहे, ये इम्प्रूव पेज ओवरव्यू, ये कुछ करना चाहते हो, इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो तो ये देकर आप कर सकते हो। इसके और एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आता है, मान के चलिए मेरा यहाँ पर सस्पेंडेड अकाउंट है, इसके अंदर जो मैसेज आता है ये मैसेज आप पढ़ सकते हो। अगर डिसमिस करना चाहते हो तो डिसमिस कर दीजिए, अगर आपको ऐसे कॉन्टैक्ट या लैंडमोर है तो लैंडमोर में जाकर आप ये और डिटेल्स पढ़ सकते हैं।
फ्रेंड ये तो आपने देखा पर्टिकुलरली डेली वीकली मंथली और क्वार्टरली, पर मान के चले मैं पर्टिकुलरली कस्टमाइज डेट सिलेक्ट करना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि 15 तारीख को तो जब ऐड चला था तो वो ऐड में मुझे कितना खर्च हुआ, कितना खर्च नहीं हुआ, कितना इंप्रेशन हुआ, कितना क्लिक हुआ और कौन सा ऐड सबसे बेस्ट और बेस्ट चल रहे थे, उसके अंदर कौन सा कीवर्ड मैंने सिलेक्शन किया, ये सारा चीज़ जानने के लिए आप ऐसे डेट पे क्लिक करके आप ये सारा चीज़ कर सकते हो। तो आई होप फ्रेंड कि गूगल एड ट्यूटोरियल क्लास में आपको सीखने को मिला कि गूगल एड्स ओवरव्यू और उसके साथ साथ जो सेटिंग ओवरव्यू था वो मैंने आपको साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छे लगते जरूर शेयर करिए, अगर नहीं लगते तो बस रहने दीजिए, ऐसे चलने दीजिए। और हाँ दोस्तों कमेंट करके जरूर बता देना वो मेरा पिछले वाला जो फोटो के बारे में बात किया था ये वाला। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नया एक वीडियो के साथ, तब तक आप हैप्पी रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।